हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रंजना। घर में कैसे बनाएं आसानी से डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड विद चीज़ी डिप, वो भी बिना ओवन और माइक्रो के। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमने लिया है ये ब्रेड, ये है मेरे पास मिल्क पाउडर, बटर, हरा धनिया, गार्लिक क्लोव्स, ये पार्सले, ऑर्गेनो, पार्सले है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, चिली फ्लेक्स, और ये है मेरे पास मोज़रेला चीज। तो आइए सबसे पहले बनाते हैं चीज़ी डिप। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून बटर। इसके मेल्ट होने के बाद में मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज। इस डिश की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी चीज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई परफेक्ट मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने 3/4 कप दूध लिया है, ये 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और सबको अच्छे से मैश करते हुए हम इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम क्रीमी हमारी चीज़ी डिप तैयार हो गई है। इसमें हमने ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाला है, गार्निशिंग के लिए कुछ हरी धनिया की पत्ती। अब ये मैं धनिया बारीक काट लूँगी, और ये क्लोव्स हैं गार्लिक, इसको मैंने काटा नहीं है, इसको मैं घिस रही हूँ ताकि जब हम बटर में इसको मैश करें तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। ये देखिए मैंने एक बाउल में बटर लिया है, इसमें मैंने गार्लिक डाला है, धनिया की पत्ती, इसको स्मूथ मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। ऑरेगानो टेस्ट के अकॉर्डिंग, चिली फ्लेक्स, और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये जो स्प्रेड हमने बनाया है इसको अपने ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे, कम ज़्यादा जैसी आपकी चॉइस है, स्मूथ एकदम सब तरफ अच्छे से चारों कोनों को कवर करते हुए। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीज़ डालिए, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, जो भी आपको पसंद है। अब इसके ऊपर भी हम ना ये बटर जो हमने बनाया है इसको स्प्रेड करेंगे अच्छे से ब्रेड को कवर करते हुए। उधर मैंने तवा गैस पे चढ़ा दिया है, फ्लेम थोड़ा भी हाई रखते हुए मैं जिस तरफ से बटर लगाया है उस तरफ से इसे तवे पे रख दूंगी। फ्लेम को अब मैं मीडियम कर लूँगी और जो ऊपर की लेयर है वापस उस पर मैं बटर स्प्रेड कर दूंगी, और थोड़ा सा साइड में भी। बहुत ही इजी रेसिपी, सबकी फेवरेट। इसे बनाने के बाद आपको यकीन भी नहीं आएगा कि घर में इतनी इजीली हम इतनी टेस्टी डिश झटपट बना सकते हैं। ये देखिए अच्छे से पीछे से ये पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं दूसरी तरफ से भी पलट के सेक लूँगी, और अब मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक गया है, इसमें ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा स्प्रिंकल करके अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी क्रीमी गार्लिक ब्रेड रेडी है, इसको हम चीज़ी डिप के साथ सर्व करेंगे। सो यमी। अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ हम इसको एंजॉय करेंगे, इसका टेस्ट तो और डबल हो ही जाना है। चीज़ी डिप गार्लिक ब्रेड, जूसी टेस्टी इंस्टेंट बनने वाली ये हमारी डिश है। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं फ्रेंड्स, अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।